ये मेकअप किट रोमांटिक कलर प्रोफेशनल मेकअप। इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, पाउडर लिखे हुए हैं, हाइलाइटर्स लिखे हुए हैं, इसकी वार्निंग है, और उसके बाद ये मेड इन चाइना, एक्सपायरी डेट 6/20/22। ये तो एक्सपायर हो गई है। बाकी सर मैं कलर्स वगैरह आपको दिखा देती हूँ, लेकिन अब ये वापस ही होगी। इसकी पैकिंग है, इसके अंदर कलर्स हैं और ये हाइलाइटर्स हैं, और ये है हमारे पास ब्लश ऑन्स। ठीक है, इसकी एक कंप्लीट लुक, ये ऊपर से हमारे पास ये आ रही है। इसके बाद ये हमारे पास ग्लिटर पैलेट है, और ये देखिए आप इसके ऊपर एक्सपायरी डेट हमारे दी हुई है 2025 की, तो ये अभी हमारे पास एक्सपायर नहीं हुआ। ये देख लेते हैं हम, ये शेड है। अच्छा, इसके लिए भी, इसको भी अप्लाई करने के लिए ग्लू मिलती है, जो कि मैंने ले ली थी मिस रोज की। इसके ऊपर लिखा हुआ ग्लिटर ग्लू मिस रोज, तो इसको भी हम अप्लाई करते हैं। ये शेड्स हैं इसके, और तो पहले अगर आप ये ग्लू लगा लें और उसके बाद आइस पेंट शेड्स को अप्लाई करें तो ये अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे। ये इसकी लुक है, और ये मेरे पास ये ब्लू। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है आइकॉनिक का काजल। इसको यूज़ किस तरह करना है ये भी पीछे लिखा हुआ है, और रिमूव किस तरह करना है ये भी पीछे लिखा है। नेकेड 3 काजल आइकॉनिक बताया तो इधर यहाँ पे हुआ कि 10 आवर्स के लिए स्मज नहीं होगा, वाटर प्रूफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, लेकिन ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा ये कैसा है। तो ये देखिए ये इसकी लुक है। मुझे नहीं लगता कि ये ये हमारे पास दूसरी, इसका मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया था, लिया स्किन टच की, वाटर प्रूफ, ऑयल कंट्रोल, कंप्लीट पेंट मेकअप बेस। ये इसका कलर सिलेक्शन है FS45, और ये भी लॉन्ग लास्टिंग है हमारे पास। और ये है, ओपन करके हम देख लेते हैं अंदर से कुछ इस तरह। ये देखिए आप
सोफिया स्लेकी लैश ग्लू स्ट्रिप लैश एंड बॉडी एडहेसिव। अच्छा इसमें जो मैंने लिया ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें ब्लैक कलर भी है और आई थिंक पर्पल कलर भी है, ये इसकी इंस्ट्रक्शन है। 7 ग्राम इसका ये नेट वेट है हमारे पास। और ये इन्होंने बताया था कि पहले एक थिन लेयर जो है हमारे पास ग्लू की, वो फ्लैश फाल्स जो सॉरी आई लैश है उसके ऊपर लगा लें, उसकी स्ट्रिप के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास जो फाल्स आई लैश है उसकी पोजिशन करेक्ट कर लें अपनी लैशेज़ की, और वेट फॉर 30 to 60 seconds until the glue dry completely। ये देखें सोफिया आसली की है, ये आई थिंक मुझे 200 something में मिली थी। इसी तरह इस पर भी लिखा हुआ लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ विथ ड्राई सोफिया आसली ट्रांसपेरेंट है इसकी। और ये देखें ये इसके ऊपर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ हमारे पास, और ये इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं।